नहीं, यजदी का हो गया है टायर फ्लैट। और जस्ट अभी मैं घर से निकला था, घर से निकल के अभी 10-12 किलोमीटर आया था। शुक्र सुबह देख रहे हो, यजदी में पेंचर लगाना इतना आसान काम नहीं है। देखिए कितनी स्पोर्ट लगाई है, इधर लगाई है स्पोर्ट। सो गाइस, अपने यजदी का हो गया है टायर फ्लैट। और जस्ट अभी मैं घर से निकला था, घर से निकल के अभी 10-12 किलोमीटर आया था। शुक्र है कि रास्ते में भी यहीं हो गया, यहीं बीच पे नहीं हुआ। यहाँ पे मार्केट भी पास ही थी और पंचर वाली शॉप भी पास थी। सबसे ज़्यादा बेस्ट थिंग ये हुई कि जब भी मेरी बाइक का पंचर हुआ है कि ऑलमोस्ट मैं सिटी के अंदर ही हुआ, कभी भी ऐसी क्वेश्चन भी ना जहाँ फंस गया हूँ। लेकिन ये दिक्कत बहुत तगड़ी है यजदी के साथ, एक तो उसका सेंटर स्टैंड नहीं है। देखो अब पंचर हो गया है, इसके अंदर की ट्यूब भी बाहर आ गई है, कि नहीं किया जो सामा होता है अंदर का, जो उसके ऊपर चढ़ा होता है, ये भी बाहर आ गया है। ये देखो, मैं घर से निकला था, मैं सोच रहा था रास्ते हवा भरवाता हूँ जाके, और बल्कि मैं हवा भरवा के ही आया था और फुल तीस पे, फिर भी पंचर हो गया। अब चलो अब देखते हैं, शॉप पे खड़े हैं, अभी शॉप बंद है। जैसे बंदा आता है अभी पंचर लगवाते हैं, फिर निकलेंगे यहाँ से। तो सर यजदी के साथ गए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है पंचर की। और मैंने जैसे पंचर एक अपनी किट डलवाई थी फार्मूला एक्स, वो था दूसरी ट्यूब में, बट वो निकलवा दी अभी, वो ट्यूब नहीं है, इसके अंदर नई ट्यूब डलवाई थी। बंदा आएगा शॉप वाला, पंचर लगवाएंगे, उसके बाद आपको अपडेट करते हैं। सो गाइस ये है अभी की सिचुएशन। सो गाइस हे गाइस, दिस इज़ विशाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हिम बाइकर विशु। सो वीडियो की शुरुआत ही गाइस बड़े गंदे तरीके से हो गई है, पंचर हो गया जैसे आप देख सकते हो बाइक पे, और फंस चुके हैं अभी हम, फंसे भी ऐसी जगह हैं ठीक जगह पर, मतलब कि पंचर लग ही जाएगा। अब खड़े कर रहे हैं यहाँ पर, जहाँ मैं जा रहा था वहाँ डेली पहुँचूँगा, ये प्रॉब्लम है। चलो ये टायर भी इसका बदलवाने वाला होगा, इसका पंचर का भी जुगाड़ कुछ करना पड़ेगा गाइस। अगर कोई देख रहा है जिसको पता है कि ये पंचर वाला काम इसका हम ठीक कर सकते हैं, मतलब इसमें पंचर ना हो या इस पर ऐसा कोई रिम डल जाए ट्यूबलेस वाला, ये ट्यूबलेस टायर डल जाए ताकि फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि अगर बंदा कहीं ऐसी जगह फंस जाए जहाँ शॉप वगैरह नहीं है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसे धक्का मारना बहुत ही मुश्किल है। मैं जहाँ से मैं धक्का मार के लेके आया हूँ ना, मुझे पता है ऊपर से चढ़ाई है काफ़ी, इसे खींच के लेके आया हूँ ऐसे। तो ये सिचुएशन अभी हो गई है। तो गाइस देख रहे हो यजदी पे जब पंचर लगाना पड़ता है तो ऐसे लगाना पड़ता है, नीचे फट्टे लगाओ या तो जैक लगाओ कुछ लगाओ। अब देखो ये इसका जुगाड़ करके, अगर जिसके पास पैडॉक स्टैंड नहीं होगा फिर तो ऐसे ही पंचर लगेगा, ऐसे तो एजेंसी में जानी पड़ेगी बाइक आपको। अभी चक्का खोला जाएगा फिर लगेगा पंचर। तो गाइस देख रहे हो यजदी में पंचर लगाना इतना आसान काम नहीं है। कितनी स्पोर्ट लगाई है, इधर लगाई है स्पोर्ट, देन फिर इधर लगाई है। जिसके पास स्पैडो स्टैंड नहीं होएगा तो दिक्कत होगी पंचर लगाने के लिए, इसलिए बोलता हूँ स्पैडो स्टैंड जरूर ले लें। जो भी देख रहे हैं तो पैडो स्टैंड तो बहुत जरूरी है इसके लिए गाइस। और ट्यूब क्या देखो अंत से पता हुआ अभी बाहर आ गया। तो गाइस आधे घंटे की मशक्कत के बाद फिर टायर खुला जाके, देखो इसका पूरा चक्का खोलना पड़ता है, बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है ये। अब निकालेंगे ट्यूब को बाहर, फिर लगेगा पंचर, फिर निकलेंगे हम यहाँ से कम 1 घंटा मेरा ख़राब होगा गाइस, 1 घंटा कम से कम होगा। और मैं पूछ रहा हूँ कभी अगर ट्यूब डालनी है बस ट्यूब एक्स्ट्रा लेके चलाऊँगा, मैं ट्यूब डाल दूँगा सीधे, ट्यूब को पंचर लगा देंगे फिर निकलेंगे यार, लेट हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तो गाइस देख रहे हो यजदी में पंचर लगाना महाभारत का काम है। तो मैं यजदी वालों से कहना चाहूँगा गाइस, इसका ट्यूबलेस टायर है तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा यार, कुछ तो दो ट्यूबलेस टायर। एक तो इसमें सेंटर स्टैंड नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो बिना सेंटर स्टैंड के पंचर कैसे लगाना पड़ता है इसमें, ऐसे खड़ी की है बाइक मैंने करी अंकल ने, देख रहे हो कितना मुश्किल है इसमें पंचर लगाना ऐसे। चलो पंचर लगता है फिर मिलता हूँ आपको। ट्यूब पड़ गई अब, तो एक ट्यूब मेरे पास स्पेयर में थी तो मैंने वही डलवा दी है, वो तो ख़त्म ही होगी पूरी, क्योंकि इसका तो ये भी फट गया है। क्या बोलते हैं देखो कि नली होती है फट गई पूरी, अपनी ट्यूब एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी रास्ते में, फिर निकलते हैं। अब बस पंचर लग गया ऑलमोस्ट, चक्का फिट करना है और निकलना आगे के लिए। तो वैसे देख रहे हो ये है सिचुएशन, यजदी में पंचर लगाना नॉर्मल काम नहीं है। देखो कैसे गाड़ी फिट गई आपको,
ये थी गाइज अपनी वीडियो यजदी के पंचर के ऊपर की। यजदी में पंचर मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते थे, पूछते कि आप यजदी में जो पंचर होता था कैसे लगता है। तो गाइज पंचर ऐसे लगता है यजदी के ऊपर, मतलब होता तो अगर आप कभी रास्ते में आपसे होता है तो आपका भी पंचर ऑलमोस्ट ऐसे ही लगेगा। अगर उस बंदे के पास जिसमें इसके पास पंचर लगवाने गया उसके पास पैडॉक स्टैंड नहीं है तो आपका पंचर गाइज ऐसे ही लगेगा। पंचर लग चुका है ऑलमोस्ट, टायर फिट हो रहा है। चलो हो गया। हाँ जी गैस पंचर लग रहा है आखिरी में, एक दो घंटे की मशक्कत के बाद अंकल ही परेशान हो गए थे। तो गैस हो गया है पंचर। हाँ जी औखा है, बहुत ज़्यादा औखा है, सही गल है। तो हो गया पंचर, अभी एक घंटे की मशक्कत के बाद लगा जाके। बहुत मुश्किल काम है इसका टायर खोलना, पहली बात तो ये हवा भरना बहुत मुश्किल काम है सारा। हाँ जी वो दिया हुआ है, कितना गैप दिया, कहाँ से हवा भरेगी बताएगा। सही बात है, पोल का तो डिस्टेंस रखे इसमें। तो गाइस ये तो बहुत मुश्किल काम है से पंचर लगाना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यजदी को बात सोचनी चाहिए कैसे पंचर लगेगा, टायर कैसे खुलेगा इसका। गाड़ी आपने बना तो दी है, मैकेनिकल कमियाँ अभी भी काफ़ी है इसके अंदर अगर देखा जाए। प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है कोई भी, पंचर लगाना ही प्रैक्टिकल नहीं है इसका, पहली बात तो ये है। तो गाइस ये थी वीडियो अपनी यजदी पंचर के ऊपर, आई होप आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगेगी तो वीडियो लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर यजदी वाले देख रहे हैं तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुधार लें गाड़ी के अंदर। गाड़ी अच्छी है, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा गाड़ी बहुत बुरी है, गाड़ी अच्छी है बट लेकिन थोड़ी कमियाँ हैं इसके अंदर। तो बस अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो पंचर लग गया गाड़ी रेडी है चलने के लिए, बट दो घंटे लगे। क्या टाइम हो गया है, टाइम हो गया पौने नौ हो गए, 7:40 लग गए, 7:30 7:30 टायर फोन लग गए, 2 घंटे लग गए पूरा पंचर लगाने में अंकल जी को। अंकल जी भी ना हो गई अंकल जी। तो बढ़िया गाइस निकलते हैं, वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी क्या लगी आपको पता है, कितनी मेहनत की है, पंचर हो गया सुबह सुबह निकला, टाइम वेस्ट हो गया 2 घंटे कम से कम मेरे। जल्दी निकलता हूँ, पहुँचना भी मेरे को। वीडियो को रखूँगा इसको यहीं तक, अब मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर हेलमेट व्हाइल यू राइडिंग। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय।